अभी आपको अहम खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास बुला लिया। तीनों मुसलह अफवाज की क़यादत भी हंगामी इजलास में शरीक होगी। सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास आज शाम 6 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में वज़ीरे आला को भी मदऊ किया गया है। यासिर मलिक से हम तफ़सीलात जान लेते हैं। यासिर, बताए गए APC से मुतालिक। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास जो है वो आज तलब कर लिया है। इजलास जो है वो आज शाम 6 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में हुकूमत के तमाम इत्तेहादी जो है वो शरीक होंगे। इजलास में तमाम वज़ीरे आला जो चारों सूबों के हैं उनको भी मदऊ किया गया है। इसके साथ साथ तीनों मुसलह अफवाज की क्यादत भी हंगामी इजलास में शरीक होगी और इजलास में मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर गौर किया जाएगा। इजलास में जो मौजूदा सूरत हाल है उससे निमटने के हवाले से जो अहम फैसले हैं वो मुतवक्के हैं और इजलास में जो हालिया बारिशों और उसके बाद पैदा होने वाली जो सैलाबी सूरत हाल है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और इस सैलाब से कैसे निपटा जाए, इसमें सैलाब जदगान की कैसे मदद की जाए, इस हवाले से भी हिकमत अमली जो है वो आज तय की जाएगी। आज शाम 6 बजे वज़ीर आज़म हाउस में ये एक अहम इजलास होगा जिसमें हुकूमत के इत्तेहादी तमाम शरीक होंगे और इसके साथ साथ तीनों मुसलह अफवाज की क़यादत जो है वो भी इसमें शरीक होगी। इसके साथ साथ जो चारों सूबों के वज़ीरे आला हैं उनको भी इजलास में मदऊ किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए यासर मलिक।